हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जो वीडियो कॉन का 14 इंच का टीवी है। वो टीवी का स्टैंड बाई मोड पावर का प्रॉब्लम है, स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। देखते हैं लाइन देख के क्या क्या प्रॉब्लम आता है। दोस्तों मैंने ये लाइन देख के देख लिया, वो इंडिकेटर तो देख सकते हैं, ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। लेकिन जब मैं रिमोट से पावर ऑन करता हूँ, ये तो ऑन हो जाता है, लेकिन खानिक देर बाद वो फिर से जल उठता है। इसका कुछ तरह से पावर का स्टैंड बाई मोड का प्रॉब्लम आता है। देखते हैं दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। दोस्तों मैंने बैक कवर ओपन कर लिया है और ये रहा हमारा टीवी का पीसीबी, जो वीडियो कॉन का पीसीबी है। ये रहा हमारा पावर पावर सेक्शन, और ये वाला इनपुट सेक्शन या आउटपुट सेक्शन। ये रहा ईएसटी सेक्शन और ये रहा हमारा मास्टर सेक्शन, आईसी का सेक्शन। दोस्तों पहले तो जो फॉल्ट आया है वो फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है वो पता होना चाहिए। दोस्तों पहले तो हम लोग चेक करेंगे ये वाला ईएसटी को। ईएसटी पे जो सप्लाई आता है, यहाँ पे जो 110 वोल्ट का ये वाला पिन का, वो पहले ओपन करके चेक करेंगे जो आउटपुट सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। और जो आप श्योर हो जाएंगे जो आउटपुट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये वाला पिन कनेक्ट करेंगे। और दूसरा वाला जो प्रॉब्लम आता है, जो आउटपुट वोल्टेज का, वो वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे जो वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। पहले तो 110 वोल्ट, और दूसरे वाला जो आता है वो 27 वोल्ट का, और तीसरा वाला जो आता है 27 वोल्ट नहीं, वो 14 वोल्ट तक आता है। और ये जो आउटपुट सेक्शन का वोल्टेज वो 18 वोल्ट तक आता है। दोस्तों पहले चेक करेंगे ईएसटी, दूसरा दूसरा वो चेक करेंगे वोल्टेज, और तीसरा चेक करेंगे इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। दोस्तों पहले तो हम लोग चेक करेंगे ईएसटी का जो वोल्टेज आता है 110 वोल्ट का, वो वाला पिन हम लोग ओपन करके वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे वो हमारा सिस्टम का जो इंडिकेटर है वो सही तरीक़े से काम करता है कि नहीं। पहले तो मैं ये वाला पिन को ओपन कर लिया हूँ, फिर चेक करेंगे हमारा वोल्टेज सही हुआ कि नहीं और हमारा इंडिकेटर सही तरीके से काम करता है कि नहीं। दोस्तों हम लोग चेक करेंगे वो जो ईएसटी वाला पिन मैंने ओपन किया था, वो पिन ओपन करने के बाद हमारा सिस्टम ओके होता है कि नहीं। ये मैंने पावर रिमोट से दबाया और हम लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये वाला वोल्टेज ओपन करके चेक कर लिया हूँ, वो हमारा आउटपुट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा दूसरा भाग जो होता है, जो पावर सेक्शन का आउटपुट का वोल्टेज होता है, वो चेक करेंगे। पहले तो 110 वोल्ट चेक करेंगे, फिर 12 14 वोल्ट चेक करेंगे, फिर 18 वोल्ट चेक करेंगे, जो होता है 12 वोल्ट 14 वोल्ट वो चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं। दोस्तों पहले तो चेक करेंगे हम लोग 110 वोल्ट का, वो हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड में है इसलिए 15 वोल्ट आता है। वो स्टैंड बाई मोड कट जाएगा तो वोल्टेज सही तरीके से आ जाएगा। और हमारा जो दूसरा वोल्ट है वो हम लोग चेक करेंगे ए वाला वोल्टेज, ए वाला जो हमारा 12 वोल्ट का लाइन है, ए वाला हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। वो हमारा 5 वोल्ट आता है, वो स्टैंड बाई काटने के बाद वो 12 वोल्ट हो जाएगा। और 1 वोल्ट जो साउंड पे जाता है, ये हमारा वोल्टेज,
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 14 वोल्ट का लाइन है वो 1 वोल्ट भी नहीं है। मतलब मेरा जो ये सेक्शन है, जो 110 वोल्ट, 12 वोल्ट और जो 14 वोल्ट का जो लाइन है, वो हमारा 14 वोल्ट लाइन का जो सप्लाई जाता है साउंड आईसी पे, वो हमारा कुछ कुछ प्रॉब्लम है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। ये वाला डायोड प्रॉब्लम आता है क्या, ये वाला आईसी प्रॉब्लम आता है, चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो साउंड सेक्शन का जो वोल्टेज आता है, मैंने वो यहाँ पे जो जंपिंग था, लाइन था, वो मैंने ओपन कर लिया है। फिर देखते हैं हमारा जो वोल्टेज आता है कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मैंने यहाँ पे वोल्टेज देख रहा है, मतलब मेरा चौपर से वोल्टेज निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टेज के कारण मेरा वोल्टेज शॉर्ट होके स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, साउंड सेक्शन का आईसी प्रॉब्लम है या अदर साइड कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने ये वाला पिन जो ओपन किया था वो शॉर्टेज कर दिया, वो सोल्डिंग कर दिया हूँ। और दूसरा जो वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पे जो साउंड वोल्टेज का, साउंड का पिन के जो वोल्टेज आता है वो मैंने ओपन कर लिया है। फिर देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो मैं मीटर पे कोई वोल्टेज नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब मेरा यहाँ से यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ये कैपेसिटर से या पीएफ से, ये जो वोल्टेज आता है जो जंपिंग के बाद हमारा जेनर डायोड, ये वाला पीएफ, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला मेन आईसी मैंने ओपन कर दिया हूँ। मतलब मेरा इस तीनों से कोई प्रॉब्लम शॉर्टेज होने हो रहा है, इसीलिए मेरा वोल्टेज शॉर्ट हो गया है, इसीलिए सिस्टम स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। मेरा साउंड आईसी ओके है। इस तीनों से मैं चेक करूँगा कि कौन सा वाला पार्ट्स फॉल्ट होके बैठ गया है। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं। दोस्तों मैंने एक के बाद एक वोल्ट पार्ट्स खोल के चेक कर रहा हूँ। मेरा जो वोल्टेज आना चाहिए था वो नहीं आया था। मैंने ये वाला जो आईसी का जो पॉइंट है वो वाला सोल्डिंग कर लिया हूँ, और ये कैपेसिटर चेक करके देखा हूँ, वो तो कैपेसिटर तो सही दिखा रही है और पीएफ भी सही दिखा रही है, लेकिन ये वाला जो जेनर डायोड दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, जो ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये वाला प्रोटेक्शन जेनर डायोड शॉर्ट हो जाएगा। तब ये वाला मैंने जब चेक किया हूँ तो ये वाला जेनर डायोड मेरा शॉर्टेज दिखा रही है, इसीलिए हमारा वोल्टेज नहीं आता है और हमारा सिस्टम चालू नहीं हो रहा है। देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो लाइन देखे वोल्टेज चेक करेंगे। ये मैंने लाइन दे दिया हूँ और ये वाला मेरा इंडिकेटर ऑन भी हो गया है, और देख सकते हैं मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं मीटर पे हमारा वोल्टेज आ गया है। अब दोस्तों मैं इंडिकेटर पे रिमोट से दिखाऊंगा, तो रिवर्स से चलाऊंगा तो मेरा सिस्टम चालू होना चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा इंडिकेटर ऑफ हो गया है, मेरा सिस्टम चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। वो जो वाला स्टैंड बाई में वोल्टेज आ नहीं आया था, वो हमारा 110 वोल्ट का, ये मीटर पे देखिए 110 वोल्ट का हमारा वोल्टेज आ गया है। ये वो दूसरा वाला जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट का, वो हमारा चेक करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट आ गया है। और तीसरा वाला जो वोल्टेज आता है वो हम लोग चेक करेंगे 14 वोल्ट के लिए। देख सकते हैं हमारा 14 वोल्ट भी ओके है। ठीक है दोस्तों, मेरा सिस्टम तो चालू हो गया है। फिर पिक्चर देखे हम लोग देख लेंगे। दोस्तों हमारा आज को जब वोल्ट प्रॉब्लम था, वो हमारा आउटपुट सेक्शन का वोल्टेज नहीं निकल, शॉर्ट होने के लिए, वोल्टेज शॉर्ट हो जाने के लिए, इसीलिए हमारा वोल्टेज सिस्टम स्टैंड बाई मोड पे चला जाता था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।